हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं। हाँ तो व्यूवर्स, मैंने आपको बताया था कि पटना बहुत तेजी से जो है वो एक एडुकेशन हब जो है बनता जा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी जो है एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं अभी, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है अवेलेबल करा रही हैं स्टूडेंट्स को। तो आज इसी संदर्भ में मैं एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो जो है आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और हमारा वीडियो जो है ये है पटना के इम्पैक्ट कॉलेज के बारे में। मैं आपको बता दूं इम्पैक्ट कॉलेज है कहाँ पे। हाँ तो व्यूअर्स, मैं बता दूं इम्पैक्ट कॉलेज जो है पटना के आरपीएस मोड़ पे है। ये जो है पटना के सगुना मोड़ पे है, आरपीएस मोड़ के करीब में है। और ये जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो है कॉलेज है, और इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। और इसी से जुड़ी मैं आपको सारी खबर दिखाने लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं ये कॉलेज काफी बढ़िया है, इसका अपना खुद का जो है बिल्डिंग है, और ये आर्यभट्ट नेशनल यूनिवर्सिटी से जो है वो एफिलेटेड है। मैं आपको बता दूं इसका एफिलेशन जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होने के साथ साथ यहाँ पे जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ से आप BBA, यहाँ से आप MBA, BCA और BMAS यानी कि बैचलर इन मास कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इनका बहुत ही बढ़िया अपना लाइब्रेरी है, इनका बहुत बड़ा अपना जो है वो क्लासरूम है, उसके अलावा इनका बहुत सारा अपना जो है वो कंप्यूटर का भी इनका लैब है, और भी बहुत सारी चीज़ों के इनके लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके कैंपस में जाकर के पता कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये पटना का वन ऑफ द बेस्ट जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो इस पूरे वीडियो के थ्रू हम आपको ये पूरा का पूरा इसका कॉलेज दिखाने लेके जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम यहाँ से ही पटना और बिहार से जुड़ी सभी खबरें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहें।